जय श्री कृष्णा राधे राधे तो आज का श्रृंगार दर्शन में आप लोगों को करवा देती हूँ तो ये है हमारे माधव जिनका श्रृंगार बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ है क्योंकि आज फ्राइडे है तो मैंने रेड कलर की ड्रेस पहनाई है तो आप देख सकते हैं माधव मोर पंख लगाए हुए हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं मैंने इनको दो माला पहनाई है ये देखिए दोनों हल्की हैं तो बहुत अच्छे लग रहे हैं ये हैं हमारे लड्डू बाबू ये भी रेड पहने हैं और ये मैंने इन लोगों के लिए कुछ लेकर आई थी इसमें कुछ तो गोली है पता नहीं कैसी होंगी मीठी होंगी या क्या इसका मुझे बॉटल बहुत अच्छा लगा था तो मैं इन लोगों के लिए ये बॉटल लेकर आई थी और ये बैठे हैं इनके टैडी और आज दिखाती हूँ केशव तो केशव हमारे जो हैं वो आज बिल्कुल एकदम जो है वो कूल मूड में बैठे हुए हैं केशव अपना ये तो ठीक कर लो हाँ ऐसे गुड बॉय आज मैंने इनको ना ये मेहंदी कलर की टी शर्ट बनाई है क्योंकि इनकी जो रेड कलर की टी शर्ट थी वो भीगी हुई थी मतलब ना क्या था वो गीली हो रखी थी सूखी नहीं है अभी क्योंकि मुंबई में बहुत बारिश हो रही है और मैं धोना उसको थोड़ा भूल गई थी तो इसलिए वो अभी गीली पड़ी है तो मैंने ये ग्रीन मेहंदी वाली पहना दी है इसमें हल्का हल्का ये ऐसा रेड टच दे रखा है और नीचे निकल पहने हैं और इसलिए मैंने इनको आज रेड कलर की कैप लगाई है तो ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हैं मतलब ये देखिए और कैप पर मोरपंख वगैरह तो मैं कभी नहीं लगाती हूँ अरे नाश्ते में क्या खा रहे हैं ये लोग ये भी देखिए आप तो ये खा रहे हैं सैंडविच आलू का सैंडविच बनाया है और ये है फ्रूटी तो ये सैंडविच और फ्रूटी खा रहे हैं क्योंकि सुबह के टाइम में मैं इनको चाय नहीं देती हूँ तो फ्रूटी या फिर कुछ भी नहीं देती हूँ सिर्फ नाश्ता जो बनाती हूँ पोहा तो सिर्फ पोहा देती हूँ कुछ ऐसा नहीं है कि पीने के लिए भी कुछ मैं ज़रूर देती हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है तो ये तो ये थे आज के श्रृंगार दर्शन और मुझे आप लोगों के साथ कुछ ज़रूरी बात भी शेयर करनी है जो कि मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो वो भी मैं अभी आगे आप लोगों के साथ शेयर करती हूं तो पहले केशव को नाश्ता करवा देते हैं उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा राधे राधे तो मैं जैसे कि आप लोगों को बता रही थी कि मैं आप लोगों से कुछ शेयर करने वाली हूँ तो वो ये बात है एक्चुअली जब मैंने केशव के बालों में ब्लैक कलर किया था तो आप लोगों ने भी देखा था कि उनके बाल मैंने पूरे ब्लैक कर दिए थे तो कुछ दिन बाद मेरा मन हुआ कि मैं उस कलर को रिमूव कर दूँ तो क्या था ना कि जब मैंने वो कलर रिमूव किया पहले तो बहुत देर में वो कलर हट रहा था क्योंकि इनके बालों में आप देख रहे हैं ये सब डिजाइन बनी हुई है जिसके कारण वो कलर जो है वो पूरा इनके बालों में भर गया था तो मैंने जो है वो तारपीन के तेल से इनका कलर जो है वो रिमूव किया और जो नेल रिमूवर आता है उससे भी रिमूव करने की कोशिश की उसके बाद मैंने इनको पीताम्बरी से स्नान करवाया पीताम्बरी से जब मैंने इनको स्नान करवाया तो जब मैं पीताम्बरी इनके लगा रही थी बालों में अप्लाई कर रही थी तो काफ़ी हद तक जो है वो कलर निकल रहा था तो मुझे लगा कि इफ़ेक्टिव है मैंने उसको पूरा अच्छे से जो है वो रब करने लगी इनके बालों पे और मतलब मैंने उसमें से कलर काफी हटाने की कोशिश की तो दो से तीन बार में इनका पूरा कलर जा पाया मतलब अच्छा खासा टाइम लगा था इनका कलर जो है वो हटाने के लिए क्योंकि और कोई बॉडी पार्ट्स में आप अगर कलर करते हैं जैसे सपोज आप यहाँ कलर करते हैं है ना तो ये चीज बहुत उभरी हुई है तो ये बहुत आसानी से रिमूव हो जाएगा बाजू बंद पे देखिए आप ये सब नकाशी उभरी हुई है तो आप जब कलर करेंगे तो रिमूव हो जाएगा पर बालों से नहीं हट रहा था तो मैंने पीताम्बरी का यूज किया उसके बाद जब मैंने इनको पूरा अच्छे से पीताम्बरी से स्नान करवाया मतलब इनके गालों पे पूरे बॉडी पर जब मैंने पीताम्बरी लगवाया ना तो मैंने देखा कि बहुत ज्यादा चमक आ रही है मतलब कि केशव इतने ज्यादा शाइन कर रहे थे और लड्डू और माधव पे मैंने नहीं अप्लाई किया था उनको मैंने कलर नहीं किया था क्योंकि तो बहुत ज्यादा शाइन कर रहे थे एक होती है ना कि थोड़ी शाइनिंग आ जाती है एक था कि बिल्कुल मैं आपको क्या ही बताऊँ एकदम वाइट सा कलर कुछ डिफरेंट एकदम कि पीतल ही नहीं लग रहा था इतना ज्यादा चमक रहा था तो मैंने कहा यार आज तो बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छे से इनके अंदर चमक आ गई है उसके हार्डली दो से तीन दिन बाद ही इनका कलर डाउन होना शुरू हो गया मतलब बहुत डार्क होने लग गया फिर मुझे लगा कि यार ये क्या हो रहा है तो मुझे लगा कि चलो बालों का अभी अच्छे से रिमूव नहीं आया तो मैंने फिर से इनको पीताम्बरी से स्नान करवाया पीताम्बरी से स्नान करवाने के फिर मैंने जब करवाया तो फिर बहुत ज्यादा मतलब कलर इनका ब्राइट एकदम अच्छा हो गया फेयर हो गया उसके बाद ना मैंने देखा कि नेक्स्ट डे से ही केशव की ये फेस में यहाँ पे ये सब चीज़ जो है वो बहुत ज्यादा अजीब हो रहा है मतलब अजीब से सेंस से मेरा स्पॉट से आने लगे जैसे कहीं पे बहुत ज्यादा धब्बे धब्बे से डार्क येलो कलर में कह लेंगे आप जो तो मतलब बहुत ज्यादा डीप येलो सा कलर होता है ना पीतल का जो हो जाता है पीलापन वो हो रहा था कहीं पर नहीं हो रहा था फिर कहीं पे हो रहा था कहीं पर नहीं हो रहा था इनका फेस इतना ज्यादा वो होने लगा और ये बॉडी पार्ट्स हर जगह है मतलब हाथ पे पाओ पे अभी भी कहीं कहीं है मैं आप लोगों को दिखाऊंगी तो वो इनके बहुत ज्यादा होने लगा तो मुझे बड़ा अंदर से खराब लग रहा था कि पता नहीं है क्यों हो गया तो मेरे मन में ऐसी शंका जागी कि कहीं मैंने इनके जो बालों में कलर किया था और मैंने वो तारपीन से जो है वो रिमूव किया कहीं उससे कोई तो मतलब धातु है तो कोई रिएक्ट तो नहीं हो गया फिर मुझे समझ नहीं आया फिर एक दिन मैंने इनको शहद से और दही से स्नान करवाया तो केशव की चमक जो है वो नेचुरली वापस आई मतलब जैसे पहले पिताम्बरी से बहुत ज्यादा चमके थे ना वो नहीं आया एकदम नेचुरल कलर और थोड़ी थोड़ी शाइनिंग आ गई और जो दाग धब्बे थे वो हट गए थे अभी मैं आपको इनके दाग दिखाती हूं कि कैसे हो गए थे तो देखिए जैसे आप ये देख रहे हैं ना यहाँ पर कितना ज्यादा पीलापन हो रहा है और यहाँ नहीं हो रहा है और बहुत सारी जगह ना इनके ऐसे ही होने लगा मतलब नेक पे भी मैं आपको दिखाऊंगी तो यहाँ आप देख सकते हैं ये पीलापन बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा पीलापन हो गया और इनके फेस पे यहाँ पे आप ये देखिए ये कुछ तो आ, हुआ तो मुझे ना बहुत ज्यादा मतलब मेरा मन खराब हुआ कि ये क्या ही हो रहा है ये ऐसे क्यों हो रहा है फिर मुझे लगा कहीं ऐसा अच्छा तो नहीं है कि पीतल में कोई प्रॉब्लम है शॉप से जिनसे लिया था उनसे बात करके देखती हूँ लेकिन वही शहद से स्नान करवाने के बाद थोड़ा बहुत चला गया अभी भी थोड़ा बहुत रह गया है और बालों पर भी ये कालापन अच्छा खासा जो है वो दिख रहा है तो कल की बात है मैंने गौर किया कि मैंने एक पाउच खरीदा था पीताम्बरी का तो लॉकडाउन के दौरान की बात है मैंने पीताम्बरी पाउडर जो लिया तो उस टाइम क्या था जहाँ से हम लोग पूजा का सामान लेते हैं वहां से नहीं लिया था एक शॉप थी वहाँ से मैंने लिया था तो वो उनका शटर पूरा डाउन था तो उन्होंने थोड़ी सी शटर खोल के मुझे थोड़ा मोड़ा जो मुझे सामान लेना था ले लिया मैंने उस पर देखा भी नहीं क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना जनरली कि कोई भी चीज़ लेते हैं जैसे पीताम्बरी है तो उसका हम लोगों को पता है कि उसकी जो पैकेजिंग है वो ऑरेंज या गोल्डन से कलर की है तो हम बिना देखे वो चीज़ ले लेते हैं तो कल क्या हुआ था मैंने वो पहले मैंने ले ली लगभग इस बात को हो गया एक महीना तो पहले में बात दूसरी वाली पीताम्बरी चल रही थी उससे मैंने कई बार स्नान करवाया है केशव लड्डू माधव को कोई भी कुछ भी उससे जो है वो मुझे फ़र्क नहीं लगा था मतलब अच्छा जैसे नॉर्मल शाइन आती है अच्छी शाइन आ गई थी फिर क्या था जो मैंने कल फिर मैंने पैकेट खोला पीताम्बरी से तो भगवान के जो हम लोग बर्तन वगैरह धोते हैं तो ये प्लेट्स वगैरह आप देख रहे हैं ये सब जो हम पीताम्बरी से डेली के डेली वॉश करते हैं इनके जो लुटिया होती है ना जिसको हम बोलते हैं ये ये इनका छोटा सा जो पात्र है जल रखने का केशव का तो ये मिट्टी का है और एक मैं वैसा रखती हूँ सारे भगवान के लिए तो केशव वाले में तुलसा जी पड़ी रहती है उसमें नहीं होती है तो मैंने कल वॉश किया उसके वॉश करने के बाद फिर पहले मैं क्या करती हूँ कि सारे भगवान के जितने भी बर्तन वगैरह हैं वो धो लेती हूँ फिर भगवान को स्नान और रेडी करवाती हूँ उसके बाद जो है वो आरती वारती करनी होती है ना फिर मैं प्लेट आरती सब पोच के दिया बाती करती हूँ तो मैंने कल ध्यान दिया आप अगर ये देख पा रहे होंगे तो ये देखिए आई थिंक आपको दिख रहा होगा ये आप ये देखिए ये एक मिनट में मैं जूम करती हूं यहाँ पे ये देखिए ये किस तरीके से जो है वो प्लेट में निशान बन गए हैं और ये वॉश करने के हार्डली दस मिनट बाद ही ये इस तरीके के मार्क बन गए ये देखिए यहाँ मैंने दिया रखा था तो यहाँ दिए के मार्ग बन गए ये यह यहाँ पे लो, लोटा रखा हुआ था उसके निशान बन गए ये पूरी प्लेट में इस तरीके के निशान बन गए और आप यकीन मानिए जैसे ये प्लेट में निशान है ना मैं आपको अब एक्सप्लेन करती हूँ एग्जैक्ट ऐसे ही केशव के पूरी बॉडी पर ऐसे मार्ग बन गए थे तो आप खुद सोचिए कि मुझे कैसा लग रहा होगा मतलब मुझे देखने में इतना दुख हो रहा था कि ये कैसे हो गए मुझसे क्या गलती हो गई है जो मतलब मैंने इनका सही से स्नान नहीं करवाया या कलर के वजह से क्या है तो ये पूरे में इस तरीके से ऐसे ही इनके उसमें हो गए थे इनके बॉडी पर हो गए थे अब आप ये देखिए ये लोटा है ठीक है ये मैंने सुबह वॉश किया है ये देखिए और इससे पहले जब मैं पीतम्बरी से वॉश करती थी तो कभी भी ये मुझे ऐसे देखने को नहीं मिला ये देखिए इवन मैं अगर दो दिन भी ना दू ना तो भी कभी ऐसा ये सब नहीं होता था तो ये सब इसमें होने लगा ये मैंने सुबह वॉश किया है और आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं ये पूरा एकदम ऐसा ही हो गया है तो मैंने फिर ध्यान दिया फिर मैंने पैकेट पे नाम पड़ा तो ये है जो मैं पैकेट खरीद के लेकर आई थी तो ये देखिए इस पे लिखा है रिफ्लेक्ट मेटल शाइनिंग पाउडर ठीक है ये आपको दिख रहा होगा रिफ्लेक्ट मेटल शाइनिंग पाउडर है ये, ये देखिए तो मैंने ये खरीद लिया इस पर क्या था कि नीचे आप देखिए ये पूरा बना हुआ है इस सिल्वर स्टील कॉपर ब्रास एल्यूमिनियम आयरन आप इसमें लिखा है कि आप सब तरीके के जो है वो छह तरीके के मेटल्स पे ये, ये यूज कर सकते हैं तो मैंने ये खरीद लिया इसका नाम पितांबरी नहीं है इसका नाम रिफ्लेक्ट है तो मैंने ये ले लिया और जब मैंने ये कल यूज किया फर्स्ट टाइम आप देख सकते हैं ये पूरा एकदम भरा हुआ है थोड़ा सा ही मैंने इसे निकाला था कल जब मैंने इसे यूज किया ना तो मैंने जो है वो ये देखा ये प्लेट वाला हाल देखा और आरती वगैरह पे सब पे देखा तो मुझे ऐसा दिमाग में, में मेरे खटका कि ये पीताम्बरी से ही तो नहीं केशव के रिएक्ट किया है तो इसका जो है मैंने एक पैकेट खरीदा था आई थिंक इससे पहले भी जो मैं पैकेट यूज कर रही थी वो पिताम्बरी नहीं हो या पिताम्बरी हो उसमें कुछ और मिक्स हो क्योंकि मैंने इतना ध्यान नहीं दिया मैं आपको झूठ बोलूं लेकिन उसी से जो है वो केशव के इतना रिएक्ट हुआ क्योंकि जब मैंने देखा कि इसमें रिएक्ट हुआ ना प्लेट में तब मुझे एहसास हुआ और हर चीज में हो रहा है जिस चीज पे भी मैं ये लगा रही हूँ उस चीज में रिएक्ट कर रहा है ये खराब कर रहा है उस चीज को इसलिए जो है मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं ये बात शेयर करूं मुझे लगता है ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो पैकेट है आप लोगों को कि कभी ये दिखे तो इसको मत लीजिएगा ना ही आप भगवान के बर्तन धोने के लिए लीजिएगा ना ही भगवान को स्नान करवाने के लिए लीजिएगा ना ही किसी और चीज को वॉश करने के लिए लीजिएगा इसका नाम रिफ्लेक्ट है तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस चीज को मत लीजिएगा और आगे से कभी भी पीताम्बरी अगर आप खरीदें तो आप उस पर नाम पढ़ने की वो प्रॉपर पिताम्बरी ही होना चाहिए क्योंकि पिताम्बरी के अलावा अगर आप कोई भी ऐसा पाउडर लेते हैं जो आपको दिख पिताम्बरी की तरह रहा है इसका कलर भी पीताम्बरी से चेंज है पीताम्बरी थोड़ा डार्क कलर में होता ही बहुत लाइट कलर का है पिंक से कलर में तो आप भी ऐसी कोई भी चीज ना खरीदें क्योंकि जनरली लोग जो हैं वो भगवान को जब बहुत ज्यादा पीले पड़ जाते हैं तो उन्हें पिताम्बरी से ही स्नान करवाते हैं और काफ़ी बार मेरे पास ये सवाल आया है कि पिता मैम हमारे काना जी बहुत काले पड़ते जा रहे हैं काले पड़ते जा रहे हैं तो मैं उन लोगों से भी यही चीज़ कहूँगी कि आप लोग देख लीजिए अगर आप लोग जिस प्रोडक्ट से उनको अगर स्नान करवा रहे हैं पिताम्बरी से या जो भी है तो कहीं उस वजह से तो नहीं आपके काना जी जो है वो पीले पड़ रहे हैं तो एक बार गौर जरूर कीजिएगा मेरा यही मोटिव था ये आप लोगों के साथ शेयर करने का कि जो भूल मुझसे हुई जो गलती मुझसे हुई वो आप लोग ना करें तो आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल रहे और आप लोग भी आगे से ध्यान रखें ये लेने से पहले तो बस मुझे यही छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी आई होप कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो मैं आज का वीडियो यही खत्म करती हूँ तो वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक बार मैं आपको फिर से जो है वो अपने मंदिर के दर्शन करवा देती हूँ तो ये है हमारे मंदिर के आज के दर्शन आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा हो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में और अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे केशव को नहीं फॉलो किया है तो प्लीज़ केशव को फॉलो कीजिए उनका इंस्टाग्राम हैंडल है शालिनी शुक्ला तानिया हाँ मैं केशव की डेली रील्स डालती हूँ बहुत अच्छी अच्छी तो प्लीज़ ज़रूर फॉलो कीजिए मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए जय श्री कृष्णा राधे राधे